हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा कुल। तो जो आज हम करंट का टॉपिक पढ़ेंगे वो है 6G के बारे में। कैसे 2G से 3G, 4G, 5G और 6G तक आ गए हम, 6G तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत 6G अलायंस, कि 6G है कैसे, 5G से बेटर कैसे है। तब तक जब 5G आया था हम कितने खुश हो गए थे कि नेटवर्क नेट्स और तेज़ चलने लगेंगे, इंटरनेट की स्पीड्स और फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे 6G जब आएगा तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो भारत में लॉन्च होगा 6G, देखते हैं कब तक लॉन्च होगा, बट कोशिश पूरी चल रही है। 5G से 100 गुना, मतलब 100 टाइम्स बेटर होगा, ये गुना तेज होगी इसकी स्पीड। तो अब सोचिए 6G की स्पीड कितनी होगी। अभी हम 5G में ही सोचते हैं कि हमें सेकंड्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो 6G में तो मिली से भी मिली सेकेंड्स आपको लगेंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मिली सेकेंड्स, क्योंकि ये कितना फास्ट है, 100 टाइम्स फास्ट है किससे, 5G से। तो इसलिए 6G पे फोकस किया जा रहा है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने भारत 6G अलायंस की घोषणा की है, जिसमें नए वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन पर काम किया जाएगा। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है भारत 6G ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इस डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि भाई हम एक न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस मीन्स जिसमें तारों का कम इस्तेमाल होगा, ठीक है, को लेकर इनोवेशन करेंगे, जिसमें काम स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरी प्लानिंग हमने कर ली है और हम एज सून एज पॉसिबल ASAP हम इसको लॉन्च करेंगे, 6G भारत में लेकर आएंगे। भारत 6G अलायंस एक ऐसा सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां, अब ऐसा तो था नहीं कि 5G सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था, वो सबके लिए था, हर कोई उसे यूज़ कर सकता था। ठीक है, ऐसे ही 6G जो रहेगा, जब वो पब्लिक हो, जब प्राइवेट कंपनियां हो, या अकेडमिक्स हो, या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी शामिल होंगे, सभी उपयोग इसका लाभ उठा पाएंगे। ये एक ही इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड रहेगा कि हम सिर्फ 6G की सेवा सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, या सिर्फ हम पब्लिक सेक्टर्स को देंगे, हम लोगों को नहीं देंगे, नॉर्मल जो आम लोग हैं, ऐसा नहीं है। 6G सबके लिए रहेगा, बराबर जैसे 5G रहा है, बस आपको 6G कनेक्टेड वाला फ़ोन या फिर जिसमें सर्विसेज चल सके वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वो सिस्टम आपको लेना पड़ेगा। तो 6G भी अब 5G से 100 टाइम्स, नॉट इवन 10 टाइम्स, 100 गुना तेज़ ज़्यादा चलेगा। अगर हम बात करें 6G अलायंस है क्या भारत, तो एक ये सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियाँ, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड है, या मानक विकास से रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट से, सारी संस्थाएं इसमें इसका सहयोग उठा पाएंगी। ठीक है, इसलिए 6G पे वर्क किया जा रहा है, जिससे लोगों का काम और आसान होए। आसान कैसे होगा, क्योंकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिली सेकेंड्स में उनको मिल जाएंगी, क्योंकि अब तक हम 5G सोचते थे बहुत तेज़ है, तो सोचिए 6G कितना तेज़ होगा। यह अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान, वही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, हम इंफॉर्मेशन लेंगे, हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करेंगे, इससे इसके हिंदी में बोलते हैं आदान प्रदान ज्ञान का, ठीक है, को सुविधाजनक बनाने के लिए 6G टेक्नोलॉजी यानी कि 6G प्रौद्योगिकी युक्त अन्य वैश्विक गठबंधनों के साथ साझेदारी तथा तालमेल स्थापित करेगा। तो ये अगर कुछ भी अच्छा हमारे देश में होगा तो क्या होगा, एक तो हमें ग्लोबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, इंडिया और डेवलप करता है, ठीक है, भारत डेवलप कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, तो हम जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। इसीलिए 6G जो टेक्नोलॉजी है साइंस की, उससे सिर्फ नॉट ओनली साइंटिस्ट को बेनिफिट होगा, रिसर्चर्स को होगा, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स को होगा, पेशेंट्स को होगा, क्योंकि वो भी बुकिंग्स कर पाएंगे। आज के टाइम में तो क्या होता है, किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो हम इंटरनेट से ले सकते हैं, घर बैठे बैठे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं बिना किसी कॉल के, ठीक है, अब वो सेवा में अगर टाइम लग रहा है तो वो सेवा भी हम जल्दी ले पाएंगे 6G की मदद से, क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव जो मेन रहा है, या फिर एम बोल लीजिए, जो इसका रहा है उद्देश्य, वो ये रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य 6G टेक्नोलॉजी की व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को
मतलब जितनी भी ऑक्यूपेशनल नीड्स हमें हैं उन सबको फुलफिल कर सकें, इसलिए हम 6G को लॉन्च कर रहे हैं। समझना, आम सहमति को बढ़ावा देना तथा उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान एवं विकास योजना को आगे बढ़ाना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए हम ये 6G ला रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। तो इसीलिए 6G सेवाओं से क्या होगा, जिसका काम अगर डिले होता है कोई इन्फॉर्मेशन में या किसी चीज़ में, वो और अच्छे से फोकस होके हो पाएगा, क्योंकि कोई डिले की गुंजाइश में है ही नहीं, क्योंकि ये 100 गुना तेज है 5G से। क्या होगा 6G का भविष्य, इन फ्यूचर प्रेफरेंस क्या रहेंगी? हमने 5G का भी देखा है, तो 5G की भी क्या रही है? 5G भी सक्सेसफुली चला है, लोगों ने अपनाया है 5G को। ऐसे ही 6G के जरिए यूजर्स को बेहतर रिलायबिलिटी, अल्ट्रा लो लेटेंसी और किफ़ायती सुविधाएं दी जाने की उम्मीद है। कि भाई जैसे हमने 5G को चीपर रेट पे सस्ते भाव में निकाला था कि लोग बाग उस सेवाएं का इस्तेमाल कर सकें, ऐसे ही 6G को लेकर रहेगा हमारा, बट उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 5G से ये फास्ट है। 6G के आने के बाद ग्रामीण इलाकों में 1.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मतलब जिन एरियाज में, जो अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक हमारा नहीं पहुँच पाया है कनेक्शन, हम वहाँ तक भी अपना 6G पहुँचाएँ, जिससे वो लोग भी सेवाएं का लाभ उठाएं और उनको भी जो ज्ञान है आदान प्रदान हो सके, सूचनाएं मिल सके। अगर किसी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, किसी जॉब की वैकेंसी है, तो उन तक पहुँच सके और वो भी अप्लाई कर सके। ठीक है, 6G के जरिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती और भरोसेमंद इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है। मतलब जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है इंटरनेट फैसिलिटीज़, वहाँ तक भी हम इंटरनेट फैसिलिटी पहुँचा दें, और विद 6G, मतलब 5G से भी एक ऊपर कदम, 6G तक हम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच सके। क्यों? क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें तारों का इस्तेमाल कम होगा। 5G में आपने देखा होगा कनेक्शन के लिए तारों का लगाना ज़रूरी था, ठीक है, इन्होंने एक टावर बनाया जिस पे 5G की टावर्स वायर्स गई। 6G में वायर्स का कम इस्तेमाल होगा या फिर नहीं होगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी ये लोग बता रहे हैं, इसीलिए ये ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना आसान होगी ये वाली टेक्नोलॉजी। इससे एजुकेशन या ई कॉमर्स समेत कई क्षेत्रों में विकास देखने को मिल सकता है। भाई एजुकेशन में तो डेवलपमेंट देखने को हमें मिल ही सकती है, है ना। आजकल तो एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्कूल्स में भी कंप्यूटर से पढ़ाने लगे हैं, PPT मोड से पढ़ाने लगे हैं, ठीक है, स्मार्ट स्कूल जिसे हम बोलते हैं, आजकल सब स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्कूल भी स्मार्ट बन गए हैं। तो उसमें भी अगर इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी तो टीचर्स के लिए एजुकेशन और बेटर हो जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। वहीं जितने भी ई कॉमर्स या फिर मतलब मैं वही वैकेंसीज का नॉलेज मिलेगी उन्हें, एम्प्लॉयमेंट, और जितने भी अभी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं या फिर पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी, क्योंकि उन तक अभी तक तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि उनके एरिया में इंटरनेट ही नहीं है, 5G का टावर नहीं है। 6G क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें तारे नहीं होंगे, इसीलिए इसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने का ध्यान दिया गया है। वहीं 6G के कुछ पिलर्स हैं, मतलब कुछ स्तंभ हैं जिस पर इनको काम किया जा रहा है, इनके जिनको ध्यान में रखते हुए। एक है मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो 5G को ही अपनी जनरेशन समझ के चल रहे थे कि भाई इससे तेज क्या होगा, बट उससे तेज भी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या है? 6G, इसलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन बोला गया नेटवर्क, NGN। वहीं स्टैंडर्डाइजेशन, एक इसका पिलर है स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई जो भी हमारे प्रोसीजर्स रहेंगे वो स्टैंडर्ड रहने चाहिए, क्योंकि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तारों का कम इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लेके चलने पड़ेंगे जब हम 6G को फुल्ली डेवलप कर लेंगे। इकोसिस्टम फॉर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, मतलब हमें डिवाइसेस में भी, पहले था ना कि 5G सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है जो स्मार्टफोन है, ठीक है, कि भाई जो उसको सपोर्ट कर सके। ऐसे ही इन्होंने 6G को लेके कहा है कि इकोसिस्टम होना चाहिए डिवाइसेस में और सिस्टम्स में जो 6G को इस्तेमाल करने में मदद दे। वहीं R&D फाइनेंस, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फाइनेंस को लेके जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी 6G विजन के मुकाबले। क्यों?
क्योंकि हम अब इंटरनेट पे ही अपना फाइनेंस देख सकते हैं, जैसे कहीं DST, DBT ये सारी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है रिसर्च को, ठीक है, फंड्स रिलीज करती हैं अपने, तो वो और भी आसान हो जाएगा उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करेगा हमारा 6G पिलर। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जैसे कि अगर कोई रिसर्च करता है तो हमें उसकी नॉलेज कहाँ मिलती है कि भाई अब तक देश में कहाँ तक रिसर्च हो गई है, किसी चीज़ पे कहाँ तक कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर पाया है, वो हमें इंटरनेट से मिलती है, ठीक है। और कोई अगर कोई न्यू आइडिया पे रिसर्च कर रहा है तो हम शेयर कैसे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही शेयर करते हैं, तो इसलिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस या आइडियाज़ उन्हें और मिलेंगे, क्योंकि वो देखेंगे, पढ़ेंगे, उन तक जानकारी पहुंचेगी तो वो समझेंगे, इसलिए 6G और बेटर कर सकता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस में। स्पेक्ट्रम आइडेंटिफिकेशन, मतलब उन लोगों के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी जो उनको नहीं मिल पा रही है वो भी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। 6G के ये कुछ पिलर्स हैं, जिससे 6G के आने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, और कैसे 5G 6G से बेटर है, क्योंकि 6G जो है आपका 1000 times फास्ट वर्क करेगा 5G से। दूसरा, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसमें तारों का कम या फिर ना के बराबर इस्तेमाल होगा। वायरलेस उसे ही बोली जाती है जिसमें तारों का इस्तेमाल ना हुए। तो आज का करंट टॉपिक था हमारा 6G कैसे भारत में आएगा, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उनके मोटोज हैं और क्या पिलर्स उन्होंने रखे हैं 6G को लेकर। ऐसे ही हम करंट टॉपिक लेकर फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।